द्रव का गुण है, पदार्थ का गुण है प्रत्यास्थता, ये द्रवों गैसों और ठोसों तीनों का गुण है ये प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता को समझने के लिए हमने मान लिया कि कोई एक रबड़ की डोरी है, यहाँ ये दृढ़ स्थान से कसी हुई है और इस पर अगर हम बाट लटका दें या बल लगा दें इसमें वृद्धि हो जाएगी, ये बढ़ करके यहाँ तक आ जाएगी, इतनी वृद्धि हो जाएगी। जब बाहर हम बल लगाते हैं इसमें वृद्धि होती है तो इसके अंदर के जो अणु हैं अणुओं के बीच में एक बल और काम करता है जो इस बल के विपरीत काम करता है, आंतरिक बल जिसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये प्रत्यानयन बल है जो पदार्थ के अणुओं के बीच काम करता है, बाह्य बल के विपरीत प्रत्यानयन बल। तो जब ये बाहर खींचेगा, बाह्य बल इसको बाहर खींचता है तो अंदर तरफ इसके विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल काम करता है, अर्थात इसको वापस ले जाने के लिए एक बल काम करता है। जैसे ही ये बाह्य बल हटा लेंगे इसके कारण से ये वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस चली जाएगी। यानी वस्तु इस अवस्था में नहीं चाहती, वो अपनी पुरानी अवस्था में वापस चली जाती है। कोई भी वस्तु अपनी जो उसका आकृति है उसमें परिवर्तन नहीं चाहती, जो इसमें विरूपक पैदा हुआ, जो इसमें विरूपण पैदा हुआ, जो डिफॉर्मेशन पैदा हुआ उसको वो पुनः समाप्त हो जाता है, अपनी जगह वस्तु चली जाती है। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई भी एक गेंद है, हमने इसको चारों तरफ से दबाया, इसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा और जब इसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा तो क्योंकि बल बाहर से अंदर की ओर लग रहा है इसलिए अंदर से बाहर की ओर भी एक बल काम करेगा, आंतरिक बल जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। और जैसे ही बाह्य बल हटा लेंगे पुनः वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस चली जाएगी। तो जो भी वस्तुएं हैं वो अपनी लंबाई आयतन और आकार में परिवर्तन का विरोध करती, वो परिवर्तन नहीं चाहती। जैसे ही परिवर्तन हो जाएगा वो तुरंत एक प्रत्यानयन बल काम करने लगेगा, जो उस डिफॉर्मिंग फोर्स, जो उस विरूपक बल के विपरीत काम करेगा और उसको पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस ले जाता है। इसी पदार्थ के इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। तो प्रत्यास्थता क्या है? पदार्थ, कोई भी पदार्थ अपने आयतन और आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। जब उसके ऊपर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसके आयतन या आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन विरूपक बल के हटा लेते ही वो अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है, अर्थात वो पदार्थ वस्तु अपने आयतन आकार या लंबाई इसमें परिवर्तन नहीं चाहती, उसका विरोध करती है। तो किसी भी वस्तु का विरूपक बल जिसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, किसी भी वस्तु का विरूपक बल के कारण अपने आकार या आकृति शेप एंड साइज आकार या आकृति
अथवा दोनों में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को पदार्थ का प्रतिस्थापन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रतिस्था पदार्थ का गुण है, किसी एक वस्तु का नहीं बल्कि वह वस्तु जिस पदार्थ से बनी है। उदाहरण के तौर पर स्टील का प्रतिस्था या लोहे का प्रतिस्था या रबड़ का प्रतिस्था, ये सब चीज़ों के जो प्रतिस्था हैं सबके अपने अलग अलग होते हैं। तो किसी भी वस्तु का विरूपक बल के कारण अपने आकार या आकृति अथवा दोनों में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को पदार्थ का प्रतिस्था कहते हैं। अब जो पदार्थ का प्रतिस्था या इलास्टिसिटी है, इससे संबंधित कुछ और भी चीज़ें उसको हम जानते हैं। हमने आपको बताया कि जब भी हम बल लगाते हैं और उसके आयतन, आकार अथवा लंबाई में परिवर्तन करते हैं, तो जो बल लगा के परिवर्तन कहते हैं, इसे कहते हैं बाह्य बल। ये बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स है, हम बाहर से लगाते हैं। और इसके विपरीत, इसके अणुओं के बीच में एक आंतरिक बल काम करता है जो बाह्य बल के विपरीत काम करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक कोई छड़ है, इसके अणु हैं, यदि हम इसको खींचते हैं बाहर की ओर तो अणुओं के बीच में अंदर की ओर बल काम करेगा। ये अणु अंदर की ओर खींचेंगे यानी अंदर की ओर बल काम करेगा, और अगर हमने इसको दबा दिया इसको हमने इधर से दबाया तो इस पर बल बाहर की ओर काम करेगा। तो जो आंतरिक बल है, अगर बाह्य बल खींचता है तो अंदर जो बल काम करेगा उसको खींच मानी अंदर की तरफ खींचेगा, और अगर हम इसको दबाते हैं तो ये बाहर की ओर प्रेस करेगा। यानी बाह्य बल की विपरीत दिशा में आंतरिक बल काम करता है, यह है आंतरिक बल। और ये आंतरिक बल या प्रत्यानयन बल एकांग क्षेत्रफल पर जितना कार्य करता है उसको हम कहते हैं प्रतिबल। प्रतिबल स्ट्रेस अब स्ट्रेस क्या है कि जब किसी वस्तु के आयतन यानी आकृति और आकार में हम परिवर्तन करते हैं तो जो आंतरिक बल लग रहा है एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं। जो विरूपित वस्तु में एकांक क्षेत्रफल पर विरूपित वस्तु में एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक बल को, इसको हम आंतरिक बल कहते हैं। आंतरिक बल क्योंकि अंदर लगता है, ये हमारे बाह्य बल के विपरीत लगता है, इसलिए आंतरिक बल। इसको हम प्रत्यानयन बल भी कहते हैं या प्रत्यानयन बल।
रिस्टोरिंग फोर्स। को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल इसका मतलब जो प्रतिबल है स्ट्रेस, प्रतिबल ये बराबर हो गया बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल मात्र किसका होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इस तरह से इसकी बीमा भी हम निकाल लेंगे तो यही आएगा यम यल माइनस वन टी माइनस दो। न्यूटन बल यम यल टी माइनस दो अपान यल दो कट गया यल ऊपर गया यम यल माइनस वन टी माइनस दो ये बीमा हो गया। ये तो हो गया प्रतिबल। यहाँ आप ध्यान से देखें जो प्रतिबल है वो दाब से मिलता जुलता है। दाब भी एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को कहते हैं, प्रतिबल भी एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को कहते हैं। लेकिन जो दाब है वो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले लंबवत बल को कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। प्रतिबल लंबवत हो सकता है और लंबवत नहीं भी हो सकता है, वो समानांतर भी हो सकता है। दूसरे ये जो हमारा प्रतिबल है, प्रतिबल ये टेंसर है, प्रदिश है, टेंसर ये अदिश नहीं है, ये प्रदिश है, टेंसर है। जबकि दाब अदिश है, दाब अदिश राशि है, स्केलर। तो दाब में और प्रतिबल में ये फर्क है कि एक तो ये लंबवत ही रहता है, क्षेत्रफल के लंबवत दाब रहता है, और दूसरा जो प्रतिबल रहता है वो लंबवत भी हो सकता है, लंबवत नहीं भी हो सकता है। दूसरे जो दाब है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और जबकि प्रतिबल टेंसर है, वो अदिश भी नहीं है और वेक्टर भी नहीं है। तीसरा जो दाब रहता है, दाब वो दाब हमेशा अंदर की ओर कार्य करता है। ये जो हमारा ये है प्रतिबल है, ये आंतरिक बल है, अंदर ही काम करता है, जबकि दाब बाह्य बल है, बाहर से काम करता है, लेकिन प्रतिबल आंतरिक बल है। जब किसी भी वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन करते हैं तो उसमें जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसे हम विकृति कहते हैं। विकृति अगली एक भौतिक राशि में है जिसको हम कहते हैं विकृति। स्ट्रेन विकृति स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन कहते हैं किसी भी वस्तु के आयतन, आकार अथवा लंबाई में जो भी परिवर्तन होता है उसके भिन्नात्मक मान को, यानी एकांक वैल्यू में कितना परिवर्तन हो रहा है। जैसे आयतन है तो एकांक आयतन में कितना परिवर्तन होगा, लंबाई है तो एकांक लंबाई में कितना परिवर्तन होगा, अगर उसमें उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी एकांक आकृति में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो उस आंशिक या भिन्नात्मक परिवर्तन को कहते हैं विकृति। किसी भी
वस्तु की लंबाई, आयतन अथवा आकार या आकृति होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को भिन्नात्मक, जिसको आंशिक भी कहते हैं, फ्रैक्शनल, आंशिक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति कहते हैं। जो हमारा जो विकृति है, ये तीन प्रकार की हो सकती। लंबाई में परिवर्तन हो, आयतन में परिवर्तन हो, या उसकी उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, शेप में परिवर्तन हो जाए। तो तीन प्रकार की विकृति होती है। एक है लंबाई में परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं लंबाई में परिवर्तन, इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति तो उसे अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्टेन। अब ये जो अनुदैर्ध्य विकृति है, मान लिया किसी वस्तु की लंबाई, ये लंबाई है, इसकी लंबाई यल है। जब इसमें बल लगाया तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि आई, ये स्मॉल वृद्धि हो गई, ये इतनी वृद्धि है, यह प्रारंभिक लंबाई है, यह वृद्धि है, यह प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई और यह वृद्धि है। और इसलिए लंबाई में जो परिवर्तन होगा, आंशिक परिवर्तन, यानी अनुदैर्ध्य विकृति कितनी होगी, और इसलिए अनुदैर्ध्य विकृति अनुदैर्ध्य विकृति अनुदैर्ध्य विकृति में जितनी लंबाई में परिवर्तन हुआ और कितनी उसकी लंबाई थी, यानी प्रति एकांक लंबाई में परिवर्तन को ही हम विकृति कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य विकृति ये बराबर हुई लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई, यानी यल लंबाई में परिवर्तन यल, इसलिए एकांक लंबाई में परिवर्तन यल अपान यल। तो इसको कहते हैं हम आंशिक परिवर्तन, भिन्नात्मक परिवर्तन, यह अनुदैर्ध्य विकृति है। तो ये पहली हो गई अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा हुआ आयतन विकृति। आयतन विकृति में आयतन में परिवर्तन होता है। मान लिया किसी वस्तु का आयतन पहले इसका इतना आयतन था v,
और इसके ऊपर जब दाब लगाया तो ये इतना इसके आयतन में परिवर्तन हो गया, यह है v, क्योंकि आयतन घटा इसलिए माइनस v। और इसीलिए जो आयतन विकृति होगी, आयतन विकृति वो बराबर होगी माइनस वी माइनस वी अपान वी। याद रखें दोनों की एक ही मात्रक है, इसलिए ये विमाहीन राशि है या मात्रकहीन है। यहाँ भी इन दोनों का मात्रक एक है, इसलिए इसका भी कोई मात्रक नहीं है, ये अनुपात है। ये आयतन विकृति हो गई। और तीसरे जो विकृति है ये हुआ दूसरा, और तीसरी विकृति है अपरूपक विकृति। अपरूपक विकृति कोई भी ये मान लिया घनाकार या ठोस है, इसमें आपने ये अपरूपक बल लगाया, ये अपरूपक बल लगाया, ये है अपरूपक बल, अपरूपक बल। और इसलिए इसकी इसमें इसकी दीवारें टेढ़ी हो गई। इसकी ये यहाँ से यहाँ तक वाई है, और जितना इसमें परिवर्तन हुआ ये यक्स है। और इसलिए विकृति बराबर यक्स अपान वाई, यक्स है ये वाई है, और इसलिए विकृति बराबर यक्स, जितना इसमें परिवर्तन हुआ और जितनी इसकी लंबाई थी यक्स वाला अपान वाई। तो ये तीन प्रकार की विकृति होती है। तो ये तीन प्रकार के तो विकृतियां हुई, लंबाई में आंशिक परिवर्तन, आयतन में आंशिक परिवर्तन, और आकार में या उसके शेप में आंशिक परिवर्तन। तो तीन प्रकार की विकृतियां हैं।